हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए यानी कि चिकित्सा विभाग से दोस्तों 1000 पद यानी कि एमओ के 1000 पद यहां पर खाली होने वाले हैं, जिसको लिए यहां पर जो है विज्ञापन जारी होने वाला है। और फाइनली शॉर्ट नोटिस के माध्यम से न्यूज़पेपर आर्टिकल में यह अपडेट आ चुकी है। पर दोस्तों, इस भर्ती में 1000 पद की यहाँ पर जो है अनुमति मिली है। पर दोस्तों, उम्मीदवारों द्वारा यानी कि यहाँ पर जो उम्मीदवारों द्वारा कहा जा रहा है कि इसके अंदर 1000 पद को नहीं जारी कर यहाँ पर जो मांग रखी है कि एमओ की यानी कि मेडिकल ऑफिसर की जो पद हैं, जो संख्या है करीब, इसके अंदर 3000 पदों की यहाँ पर जो है मांग की जा रही है कि 3000 पदों पर एमओ की भर्ती निकाली जाए, जिसके लिए यहाँ पर जो है मेडिकल ऑफिसर की यह वैकेंसी होनी चाहिए। तो पूरी विवरण क्या है, क्यों ऐसी मांगें की जा रही हैं, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताने वाले हैं। क्योंकि करीब यहाँ पर जो है चिकित्सा विभाग की तरफ से 1000 पदों की यहाँ पर स्वीकृति मिली है, पर उम्मीदवारों द्वारा इन भर्तियों को लेकर जो मांग की जा रही है कि 3000 पदों की इस वैकेंसी को यहाँ पर जो है आउट किया जाए और इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द लागू कर जो है विभाग जो है 1000 पद को यहाँ पर जो है ना निकाल कर 3000 पदों की एमओ की जो है वैकेंसी को निकाले। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने हैं। इस आर्टिकल का जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, नर्सिंग भर्ती की हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग भर्ती से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप सभी को टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, पूरी विवरण क्या है, पूरी स्टेप क्या है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रहते हैं कि दैनिक भास्कर जयपुर 10/11/2024 को यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखते हैं कि नीट पीजी काउंसलिंग का असर, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के पीजी करने के लिए यह करने से खाली होंगे करीब 1000 पद, जिसमें कि बताया जाता है कि 2 साल चिकित्सा अधिकारी के भर्तियों पर यहाँ पर पद कम होने पर एमबीबीएस छात्रों का यहाँ पर जो असुत है। यहाँ पर कहते हैं कि बताया जा रहा है कि इसमें अगर इस पूरे नोटिफिकेशन को रीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बताया गया ये धीरे धीरे कि नीट पीजी यहाँ पर जो है नीट पीजी स्टूडेंट की काउंसलिंग शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल भी जारी कर दी जाएंगे। अब नीट पीजी काउंसलिंग प्रदेश मेडिकल ऑफिसर की सीधी नियुक्ति के यहाँ पर जो है टकरा रही है और यहाँ पर इसकी सीधी इसका सीधा नुकसान एमबीबीएस एवं इंटर्नशिप कर चुके स्टूडेंट को होगा, यानी कि जो उम्मीदवार एमबीबीएस कर चुके हैं और इंटर्नशिप कर चुके हैं और यहाँ पर उन उम्मीदवारों को इस वैकेंसी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर जो है नुकसान होगा। कैसे होगा वो भी यहाँ पर आप समझ लीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि नीट पीजी के काउंसलिंग के वर्तमान मेडिकल ऑफिसर के पदों पर कार्यकर्ता उम्मीदवार भी भाग लेते हैं, पीजी की सीट यहाँ पर जो है अवेटन होने के बाद कैंडिडेट्स यहाँ पर एमओ के पद को छोड़कर पीजी पढ़ने के लिए आउटन यहाँ पर जो है आउटन कॉलेज में पढ़ने करने चल गए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें एमओ के 1000 पद खाली हैं, खाली हो जाएंगे, लेकिन नए एमबीबीएस डॉक्टर इन खाली पदों को नहीं भर पाएंगे। कारण है कि कारण दोस्तों यही है कि इसके अंदर यह है कि एक एक बार एमओ पे सिलेक्शन पीजी में हो जाने के बाद पद खाली नहीं होते हैं, यानी कि दोस्तों 1000 पद खाली हैं और उसके बाद जो पीजी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर जो यानी कि आप सभी के यानी कि जो यहाँ पर पीजी छोड़कर जो है कॉलेज में यानी कि जो पढ़ने के लिए जा देंगे तो उसके अंदर ये पद ये भरे रहेंगे और इसी के कारण से जो यहाँ पर जो एमबीबीएस इंटर्नशिप किए हुए हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि पद ही खाली इसके अंदर नहीं रहेंगे, जिसके कारण यहाँ पर बताया जाए कारण ये बताया जा रहा है कि एक बार यहाँ पर एमओ के सिलेक्शन पीजी में हो जाने के बाद खाली पद नहीं माने जाते हैं, यानी कि खाली पद नहीं माने जाते हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया है और उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई और स्टडी करने जाते हैं तो विभाग इन खाली पदों को नहीं मांगता है, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद आप इसके अंदर फिर से नियुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ पर ही बताया गया है उसके पदों को खाली नहीं माना जाता है, पीजी पूरा करने के बाद यहाँ पर एमओ के पद पर फिर से यहाँ पर रिटेन कर सकते हैं और यहाँ पर जो है सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स भी यहाँ पर एमओ सहित यहाँ पर मिलता है। इस वजह से एमबीबीएस स्टूडेंटों को मेडिकल ऑफिसर की संख्या करीब 3000 तक करने की मांग कर रहे हैं और एमओ में यहाँ पर जो है 1220 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 17 नवम्बर से शुरू होने वाली है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यानी कि उम्मीदवार
अगर मेडिकल की यानी कि पीजी छोड़कर यहाँ पर जो है पढ़ाई करने के लिए अवटित कॉलेज में यहाँ पर जाते हैं तो उनके पदों को यहाँ पर खाली ना माना जाएगा, उनके पदों को यहाँ पर जो है पेंडिंग तौर पर माना जाएगा और उसके बाद वो अपने कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर आकर वो सारे उम्मीदवार जो है रिटेन कर सकते हैं, उन पदों पर फिर से वो नियुक्त हो सकते हैं। जिसके कारण जितने भी उम्मीदवार ने जिन्होंने MBBS इंटर्नशिप कर चुके हैं इनसे उन उम्मीदवारों को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, इसलिए वो सरकार से आग्रह कर रहे हैं, विभाग से आग्रह कर रहे हैं कि जो पद 1000 निकाले गए हैं उसके दौरान यहाँ पर 2000 और पद निकाले जाइए कि जो कैंडिडेट MBBS और इंटर्नशिप कर चुके हैं उन्हें आने वाले समय में या अभी की भर्ती प्रक्रिया में कोई भी समस्या का कोई भी दिक्कत उन्हें ना उठाना पड़े इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों यही अपडेट जो आ रही थी जो मैंने आप सभी को शेयर किया गया। फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्यूरीज है तो आप टेलीग्राम से जुड़कर हमसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।